काला ने रजनीकांत के करियर पर लगाया ग्रहण। अक्षय कुमार की भी उड़ी नींद। रजनीकांत की फिल्म काला के खराब बॉक्स ऑफिस नतीजों ने दक्षिण भारत के वितरकों को परेशान कर डाला है। फिल्म उम्मीद के मुताबिक नहीं चल सकी और उधर रजनीकांत की अगली फिल्म 2.0 को भी अनिश्चितकाल के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। इस फिल्म के लिए निर्माताओं ने वितरकों से मोटी एडवांस रकम ली थी और रिलीज आगे बढ़ने से वे परेशान हैं। खबर है कि कई वितरकों ने काला के नतीजों के बाद 2.0 के निर्माताओं से कहा कि एडवांस रकम लौटाएं क्योंकि रिलीज लगातार आगे बढ़ रही है। किसी को नहीं पता कि कब तक उनकी रकम अटकी रहेगी। सूत्र बता रहे हैं कि कुछ बड़े वितरकों की मांग को 2.0 के निर्माताओं ने स्वीकार कर लिया है और जल्द ही एडवांस रकम लौटाई जाएगी। 2.0 पिछले साल रिलीज होनी थी परंतु VFX के काम की वजह से इसे 2018 के शुरू में और फिर अगस्त में रिलीज करने की चर्चा थी, मगर अब इसे अगले साल तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। 2018 के लिए अभी तारीख घोषित नहीं की गई है। उल्लेखनीय है कि करीब 400 करोड़ रुपए के बजट से बन रही 2.0 रजनीकांत की सुपरहिट फिल्म रोबोट का सीक्वल है और इसमें अक्षय कुमार विलेन की भूमिका निभा रहे हैं।